أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरह इख़लास के फ़ायदे, फ़ज़ीलत और इसकी बरकतें बताने जा रही हूँ। यह सूरह मुबारक अल्लाह ताला को बेहद पसंद है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तौहीद बयान की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके फ़ायदे, इसकी बरकतें बताऊँगी। जिस शख्स को कोई अहम हाजत पेश आ गई हो और इसके पूरे करने के लिए वो बावजू ये सूरह 7000 मरतबा पढ़े, अव्वल आहर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े, इंशाअल्लाह इसकी हाजत पूरी हो जाएगी और हर मकसद में कामयाबी नसीब होगी। नेक और साले औलाद के लिए जो औरत बांझ हो और औलाद से महरूम हो, इसके लिए 10 रात सूरह इख़लास पढ़े और हर रात 1000 मरतबा और 10 रात में 10000 मरतबा की तादाद पूरी करे, नागा ना करे, मुसलसल पढ़े और औलाद के होने की दुआ करे, इंशाअल्लाह ताला बांझपन ख़त्म होकर औलाद होने लगेगी। सांप के काटने से हिफाजत। जो शख्स इस सूरत मुबारक को 100 बार रोज़ाना पढ़ेगा, इसको कभी सांप नहीं काटेगा और अगर काट भी ले तो जहर असर नहीं करेगा। पेशाब की बंदिश और रुकावट। अगर किसी शख्स का पेशाब रुक गया हो या इसमें रुकावट पैदा होती है तो वह बावजू 11 बार दरूद पाक पढ़े और इसके बाद 11 बार ये सूरत पढ़े, यानी सूरत इख़लास की तिलावत करे और फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े और पानी पर दम करके वो थोड़ा थोड़ा पानी मरीज को पिलाए, इंशाल्लाह पेशाब की बंदिश खुल जाएगी। मुंह के छाले। अगर किसी शख्स के मुंह में छाले पड़ गए हों और खाना खाना मुश्किल हो गया हो तो ऐसी सूरत में बावजू ये सूरत 41 बार पढ़ कर चीनी या मिश्री पर दम करके मुँह में रख कर चूस लें, इंशाल्लाह ताला सेहत हासिल होगी। कैद से रिहाई। कैद से रिहाई के लिए ये सूरत बावजू 1000 मरतबा पढ़े, इंशाल्लाह कैद से रिहाई मिलेगी